जय माता दी। दोस्तों, माता रानी आपकी सारी मुरादें पूरी करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको कल का राशिफल, कल मतलब रविवार का जो राशिफल है वो बताने वाली हूँ। तारीख जो पड़ेगी वो पड़ेगी 27 नवंबर, दिन जो है वो रविवार है। तो आज का क्या रहेगा राशिफल, आपका क्या कहती हैं आपकी राशियाँ और कौन से कुल देवी देवता की पूजा करने से आज आपका जो मन है वो खुश रहेगा, चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं मेष राशि वाले जातकों की, तो मेष राशि वाले जो भी जातक हैं, आज का दिन आपके लिए भाग्य के दृष्टिकोण से उत्तम रहने वाला है। जन कल्याण के कार्यों में आज आप जुड़कर अच्छा धन और अच्छा नाम जो है वो कमा सकते हैं। आपको व्यापार में अच्छी बढ़ोतरी हो सकती है। अपनों का सहयोग मिलने से आज आप प्रसन्न रहेंगे। किसी कानूनी मामले में आज आपको जीत मिलने पर आपका आत्मविश्वास जो है वो और बढ़ेगा। किसी संपत्ति से संबंधित आज कोई भी कार्य जो है वो आपको सावधानी से निपटा लेना चाहिए, नहीं तो समस्या उत्पन्न हो सकती है। आपको किसी कामकाज से जुड़कर आज अच्छा जो है वो करने को मिलेगा और आप इसमें अच्छी रुचि जो है वो दिखाएंगे, जिससे आज आपका मुनाफा जो है वो हो सकता है। आज आपके राशि के अनुसार आपके जो आराध्य देव हैं वो हैं गजानन भगवान। तो भगवान गणेश को आज अगर दुर्वा चढ़ाते हैं तो आज आपका दिन जो है वो शुभ होने वाला है और आपके सारे कार्य जो हैं वो निर्विघ्न होकर संपूर्ण हो सकते हैं। अगली जो राशि है वो है वृष राशि। वृष राशि वाले जो भी जातक हैं, आज का दिन रोजगार की तलाश अगर कर रहे थे तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। लेन देन के मामले में आज आपको धैर्य बनाकर रखना है। यदि पहले से आपने किसी को पैसे उधार दिए थे तो आज आपको वापस मिल सकते हैं। आज आप अपने किसी मित्र से कहे हुए वादे को पूरा कर सकते हैं। बिजनेस कर रहे हैं तो आज आपका दिन थोड़ा सा कमजोर रहने वाला है, लेकिन फिर भी आप जो लाभ है वो कमा पाएंगे। दैनिक जीवन में जो खर्चा है वो आज आपका आसानी से निकल पाएगा। विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा के मार्ग जो हैं वो आगे बढ़ने में आपकी मदद जो है वो कर सकते हैं। कोई भी सरकारी संस्था से आज आपको जुड़ने का पूरा मौका जो है वो मिल सकता है। आपके जो आराध्य देव हैं, जो आपके कुल स्वामी हैं या कुल आपकी जो भी कुल देवी देवता हैं, आज आप उनको मीठा अगर चढ़ाते हैं तो आज आपका दिन जो है वो शुभ होने वाला है। अगली जो राशि है वो मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो भी जातक हैं, आज आपको साझेदारी में अगर कोई व्यापार कर रहे हैं तो आज आपको बचना चाहिए। बिजनेस कर रहे लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। जो प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं, आज वह कोई बड़ी जो डील है उसको फाइनल कर सकते हैं। आप किसी योजना के अनुसार आज कार्य कर सकते हैं तो आपके जीवन में काफ़ी बेहतर जो है वो देखने को मिलेगा। आज आपको इसको करने से लाभ जो है वो मिल सकते हैं। साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर आप आज संक्रियता दिखाएंगे। आज आपकी माता से किसी बात की झड़प जो है वो हो सकती है। जीवन साथी से किए कोई भी वादे को आज आप पूरा कर सकते हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो आज आपकी जीवन साथी जो है वो आपसे नाराज हो सकती हैं। आपके जो आराध्य देव हैं वो हैं कुबेर भगवान। तो आज आपको कुबेर भगवान को जो जल है जो है वो चढ़ाते हैं, तो कुबेर भगवान अपनी तिजोरी से कुछ पैसे आपको दे सकते हैं। कुल मिला के धन योग जो है वो आज बन सकते हैं। अगली जो राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि वाले जो भी जातक हैं, आज आपके लिए जो आपका दिन है वो चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। आपको किसी भी तरह की धन संबंधी लेन देन से आज बचना चाहिए। धन उधार देते समय कई बार आप सोचें, क्योंकि आज अगर आप देते हैं तो जोखिम भरे कार्य जो है वो आपको करने पड़ सकते हैं और पैसा जो है वो आज आपका जा सकता है, तो वापस आने के कहीं से भी कोई रास्ता जो है वो नहीं दिख रही है। अगर आप कोई कार्य जो है वो कर रहे हैं, मान लीजिए किसी ने कोई कार्य आपको सौंपा है, तो आपको जिम्मेदारी के साथ वो कार्य जो है वो करना चाहिए, नहीं तो आपके कार्य में अगर कहीं भी ढील जो है, जो छूट है वो मिलती है, तो ये आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। समाज की सेवा अगर आप करते हैं तो आपकी रुचि जो है वो आपको और बढ़ेगी। साथ ही साथ आपको अपने किसी काम के लिए उत्साहित जो है वो बहुत ज़्यादा होने से बचना चाहिए। आपके जो आराध्य देव हैं वो हैं भोलेनाथ। भोलेनाथ को अगर आप को जो है वो खड़े
चावल के दाने जो हैं वो अर्पण करते हैं, तो आज आपके सारे कार्य जो हैं वो निर्विघ्न होकर संपन्न हो जाएंगे। अगली जो राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो भी जातक हैं, आज आपका दिन जो है वो आपके परिवार के जो भी सदस्य हैं उनके साथ बीतने वाला है। कार्य क्षेत्र में अपने लक्ष्य से बिल्कुल भी ना हटें, अन्यथा कार्य जो है वो पूरा नहीं कर पाएंगे। अपने कुछ पुराने मित्रों और साथियों से आज आपका मेल जोल जो है वो बढ़ सकता है, जिसमें आज आप कामयाब जो है वो हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपको सहकर्मियों का पूरा साथ मिलेगा। नौकरी में कार्यरत लोगों को आज प्रमोशन मिल सकता है, जिससे वे एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा जो है वो कर सकते हैं। आपको घर या बाहर कोई भी सलाह जो है वो देने से बचना चाहिए, नहीं तो आज आपको इसके लिए पछताना पड़ सकता है। आपके जो आराध्य देव हैं वो हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव को जल अगर नहीं दे रहे हैं तो देना प्रारंभ कर दीजिए, ये आपके कई तरीके का कार्य जो हैं वो बनवा सकते हैं। अगली जो राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो भी जातक हैं, आज के दिन आपके घर में किसी भी अतिथि का आगमन हो सकता है। भाई बहनों के बीच चल रहे विवाद जो है वो आज माफ़ी मांग सकते हैं। अगर आप अपनी ज़रूरतों के सामानों की आज खरीदारी करना चाहते हैं तो आज आप खरीदारी जो है वो कर सकते हैं, जिससे अगर आप खरीदारी करते हैं तो आपका जो मन है वो प्रसन्न रहेगा। मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा। आपको बड़ों का आदर व सम्मान बनाए रखना है। पारिवारिक मामलों में आपको अपने से बड़े जो भी हैं उनसे सलाह जो है वो समय समय पर लेते रहना चाहिए। आपके जो आराध्य देव हैं वो हैं कुबेर भगवान। कुबेर भगवान को आप प्रसन्न रखिए, इससे आपका जो दिन है वो अच्छा रहेगा, साथ ही साथ आपके जो भी कार्य हैं वो संपूर्ण हो जाएंगे। अगली जो राशि है वो है तुला राशि। तुला राशि वाले जो भी जातक हैं, आज आपका जो दिन है वो बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा होने वाला है। नए लोगों से आज मेलजोल बढ़ाने में कामयाब होंगे। जो लोग राजनीति में कार्यरत हैं आज उन्हें अच्छा पद मिलने पर वह प्रसन्न रहेंगे। आप दान कर्म के कार्य में हिस्सा ले सकते हैं। जीवन प्रेम से जी रहे हैं तो लोगों को अपनी बातों में आँख बंद करके भरोसा जो है वो नहीं करना चाहिए। यदि घर परिवार में कोई भी वाद विवाद चल रहा है तो उसे सुलह करने की पूरी कोशिश आपको करनी चाहिए। आपके जो कुल स्वामी हैं, जो आपके आराध्य देव हैं, वो हैं आपके कुल देवी देवता। तो जो भी आपके कुल देवी देवता हैं उनको आपको स्मरण में रखना चाहिए, इससे आपके जो भी कार्य हैं वो बनते नजर आएंगे। अगली जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो भी जातक हैं, आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। आप नौकरी के साथ साथ अपने घर के कामों में भी पूरा ध्यान देंगे। कुछ समय आप अपने घर के बड़े सदस्यों की सेवा में भी लगाएंगे। आप अपने डेली रूटीन को बनाए रखें। योग प्राणायाम व्यायाम जो भी करते हैं वो आपको करते रहना चाहिए, नहीं तो आज आप बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। आपके मित्रों का पूरा आपको सहयोग मिल सकता है। ससुराल पक्ष में बात करते समय वाणी में विनम्रता रखें। घर परिवार में सुख सुविधाओं की चीज़ों पर आज वृद्धि हो सकती है। आज आपको जो गणपति भगवान हैं उनमें दुर्वा अर्पित करने से आज आपका जो कार्य है वो पूरा हो जाएगा। अगली जो राशि है वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो भी जातक हैं, आज आप प्रसन्न रहने वाले हैं। आज आपकी अच्छी सोच से आपके कार्य में जो लाभ है वो होने वाला है। आपको कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने चाहिए, लेकिन आपको जो भी अनुभवी व्यक्ति हैं उनसे ही परामर्श करना चाहिए। आप किसी प्रतियोगिता में अगर भाग ले रहे हैं तो आज आप उसमें भाग ले सकते हैं। आज आपका दिन अच्छा है। अगर आज आप सुख और समृद्धि बढ़ाना चाहते हैं तो आज आपको प्रसन्न रहने की आवश्यकता है। परिवार में कोई भी सदस्य आपके लिए कोई सरप्राइज ला सकता है। आज आपके कुछ परिजनों से मुलाकात हो सकती है। वहाँ पर आपको जो तालमेल है वो बहुत ही ढंग से बनाए रखना होगा। कि जो आराध्य देव हैं वो हैं गणपति भगवान। गणपति भगवान को आज आपको लड्डू का भोग जो है वो लगाने से आज आपका मन जो है वो प्रसन्न रहेगा। अगली जो राशि है वो है मकर राशि। मकर राशि वाले जो भी जातक हैं, आज के दिन आपको अपनी आय और व्यय दोनों में संतुलन बनाकर रखना है। कामकाज की तलाश कर रहे हैं जो लोग, आज आपको अच्छा मुकाम मिल सकता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। पारिवारिक रिश्ते में आप विनम्रता बनाए रखें। यदि आपके पारिवारिक मामलों में गुस्सा दिखाया तो रिश्तों में दरार पैदा हो सकती है। आपको करियर को लेकर अपने भाइयों से बातचीत करनी चाहिए। बिजनेस कर रहे हैं तो जोखिम बिल्कुल भी ना उठाएं। आपको किसी काम के सिलसिले में विदेश की यात्रा करनी पड़ सकती है।
आपके जो देव हैं वो हैं हनुमान और शनि भगवान। तो आप अगर हनुमान या शनि देव मंदिर में या हनुमान जी में या दोनों में, जहाँ भी आपको ठीक लगता है, या आप अगर आपके सामर्थ्य में दोनों हैं तो आप दोनों मंदिर में अगर लड्डुओं का भोग लगाते हैं तो ये आपकी राशि के अनुसार बहुत ही ज़्यादा शुभ है। अगली जो राशि है वो कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो भी जातक हैं, आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहेगा। आप को किसी पुराने मित्र से आज मुलाकात हो सकती है, जिनसे मिलकर आपकी पुरानी यादें जो हैं वो ताज़ा होंगी। आज आपके लोग वाणी से प्रभावित होंगे और इसके बारे में लोग आपसे बात करेंगे और प्रसन्न रहेंगे। घर व बाहर लोगों का भरोसा जीतने में आज आप कामयाब होंगे। जब बड़े लाभ के चक्कर में बिल्कुल भी ढिलाई जो है वो ना करें, नहीं तो किसी छुटपुट लाभ को आप गवा देंगे। कार्य क्षेत्र में अधिकारियों का आपको पूरा समर्थन मिलेगा। आज आप संतान की यदि कोई जिम्मेदारी है तो उस पर आप खरे जो हैं वो उतर सकेंगे। आपके जो आज इष्ट देव हैं, आराध्य देव हैं, वो हैं हनुमान, और हनुमान देव की आज पूजा अर्चना करने से आपका मन जो है वो प्रसन्न रहेगा। अगली जो राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि वाले जो भी जातक हैं, आज का दिन आपका मिश्रित रूप से फलदायक होने वाला है। आपको धार्मिक कार्यों में भाग लेने का मौका मिलेगा। कार्य क्षेत्र में अगर आप कोई जूनियर यदि कुछ गलती होगी तो आप उसमें बड़प्पन दिखाएंगे, उन्हें माफ़ करें। साथ ही साथ सरकारी नौकरी में जो भी कार्यरत लोग हैं, कोई नया पद आज सौंपा जा सकता है, जिससे उन्हें घर से दूर भी जाना पड़ सकता है। आप किसी शुभ या मांगलिक कार्य में अपना योगदान दे सकते हैं। कुछ समय अपने घर के बड़ों से बात जो है वो करने में व्यतीत कर देंगे। आज के जो आपके आराध्य देव हैं वो हैं गणपति भगवान, और गणपति भगवान गणेश जी को आज आप अगर भोग प्रसाद चढ़ाते हैं तो आज आपका मन जो है वो प्रसन्न रहेगा। ये रही आपकी राशियाँ। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।